राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डीके ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं था हमारे चैनल पर, काफ़ी दिन से कुछ परेशानी चल रही थी। तो आज हम एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारी रामायण की चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, कुछ ठाकुर जी की लीलाओं पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ है कि वर्ल्ड लेवल फेमस कथावाचक जिनका नाम है आचार्य पीठाधीशर श्री यदुनंदन जी महाराज। तो बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, आपने उनकी वीडियो एक पहले भी देखी होगी हमारे चैनल पे। तो आज उनके साथ कुछ भगवत बातें भी करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ वृंदावन के बारे में भी करेंगे, कुछ पुराने वृंदावन के बारे में भी करेंगे, पुराना वृंदावन कैसा दिखता था। तो बहुत सारी चर्चाएँ आज करेंगे उनके साथ। चलिए आज उनसे साथ मुलाकात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बस ठाकुर जी की कृपा। हमारे साथ आप हमारे चैनल पर दूसरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे वृंदावन के बारे में जो कि पुराने समय की। जी, पहले तो मैं सोचूंगा कि हमारे जो भक्त हैं अपने बारे में थोड़ा सा उन्हें बताएं। देखिए, जहां आप इस समय विराज रहे हैं जी, ये भगवान नित्यलीला स्थली है भगवान श्री राधा कृष्ण की जी। और ये जो क्षेत्र है ये सेवा कुंज का क्षेत्र है जी। यमुना पुलिन है और इस यमुना पुलिन के बिल्कुल निकट ही ये स्थान है जो कि इस ब्रज में और पूरे इस भारत विश्व में आचार्य पीठ के नाम से ये स्थान जाना जाता है। जिस स्थान में हमारे जितने भी वंशज रहे, पूर्वज रहे, वो सभी यहाँ रहे जी। एक काल था जिस समय अपने निष्ठ ठाकुर जो है ठाकुर सत्यनारायण ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी महाराज, जिनका एक मंदिर लोई बाजार में हुआ करता था जी। और ये जो स्थान है ये ठाकुर जी का अपना निज बगीचा था। इस स्थान के पीछे बिल्कुल नीचे पक्के घाट बने हुए थे और यह ठाकुर जी आते थे और जब जल विहार होता था तब यहाँ ठाकुर जी पधारते थे। ये जो आप देख रहे हैं इस स्थान में ठाकुर सत्यनारायण मदन मोहन लाल जी महाराज के साथ साथ यहाँ पूज्य पिताश्री जो श्रीमद् भागवत के उद्भट विद्वान थे, जिनके ऊपर में समस्त ब्रज के जितने भी महापुरुष संत जन हो सकते हैं उनका पूरा वर्गस था। उन्होंने फिर इस स्थान में भगवान अंजनि नंदन भगवान की स्थापना की जी, भाष्यकार श्री जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की स्थापना की और अपने जो परंपरागत जो अपना जो शिष्यत्व चला आ रहा है, परंपरा से ही गुरु अपने बनते आ रहे हैं। यहाँ अपनी परंपरा में पिता ही गुरु है जी। तो अपने पिताश्री यानी कि हमारे दादाजी जी स्वामी श्री ब्रजरमणाचार्य जी महाराज को यहाँ स्थापन किया और उनकी एक इच्छा थी कि भाई सारे संस्कार तो होंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति रहते हैं तो संस्कार तो हमारे यहाँ सारे होते ही हैं, अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि मेरी एक शिव विग्रह मूर्ति ठीक ठाकुर जी के सामने मेरी विराजमान हो तो मैं ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ। तो उनकी इच्छा और एक शिष्य और पुत्र होने के नाते जो एक कर्तव्य है, तो जैसे शिष्य गुरु की एक मूर्ति बना करके स्थापन करता है, नित्य प्रति पूजन करता है, अर्चन करता है, दर्शन करता है, तो उस रूप में पूज्य श्री पिताश्री स्वामी श्री किशोरनाचार्य जी महाराज ने स्थापन की। और ये जो मेरी पीढ़ी है जी, इस श्रीमद् भागवत में यहाँ इस स्थान में पूर्व में विद्यालय श्रीमद् भागवत विद्यालय चलाया जाता था इसी स्थान पर अनेकों विद्यार्थी लोग सब यहाँ अध्ययन करते थे। मुझे दादाजी कर्मकांड सिखाते थे, कभी कभी जैसे समय होता था स्वामी किशोरनाचार्य जी यानी पिताश्री को वो श्रीमद् भागवत, फिर एक अध्यापक भी यहाँ था रखे गए वो संचालन इसका करते थे। तो ये जो मेरी पीढ़ी है ये मेरी सातवीं पीढ़ी है इसी क्षेत्र में और इस स्थान में। और अपनी पीढ़ी में केवल यही पांडित्य कर्म है, इसमें कर्मकांड है, ज्योतिष है, श्रीमद् भागवत है, रामकथा इत्यादि जो भी एक पांडित्य पौरोहित्य एक कर्म होता है ये खानदान से चला चला आ रहा है।
तो मैं यदि इसे कह दूं कि ये एक हमारा जैसे घराने होते हैं संगीत घराने इत्यादि, तो यदि कह दिया जाए कि ये एक श्रीमद् भागवत का एक घराना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और उसी श्रृंखला में मैंने भी शिष्यत्व तो स्वीकार किया, पुत्र तो हुई पिताश्री का स्वामी किशोरनाथाचार्य जी का, लेकिन उसके साथ साथ मेरी जो दीक्षा हुई पूज्य पिताश्री से, क्योंकि वही परंपरा चली आ रही थी और इस आचार्य पीठ इस गद्दी पर उन्होंने आसीन किया, और इसी स्थान से प्रथम जब श्रीमद् भागवत का मैंने प्रारंभ किया जी, तो इसी आचार्य पीठ गद्दी से, जो कि वर्ष में एक बार जो हम उत्सव करते हैं भागवत दिवस जो मनाया जाता है, श्रीमद् भागवत जयंती और राधा जन्मोत्सव जी, जिस उत्सव को प्रारंभ कराया शंकराचार्य स्वामी श्री शांतानंद महाराज जी ने जी, जो इलाहाबाद में जो प्रयाग में अलोपी भाग में जिनका स्थान है, एक दिन वो वृंदावन पधारे थे, हमने स्नान करके वो यहाँ आकर के बैठ गए और बैठ करके पूज्य पिताश्री को सामने उठाया, भाई बताओ आप लोग भागवत करते हो, ये करते हो, सब करते हो, लेकिन भागवत के लिए क्या करते हो? सही बात है, उनका प्रश्न बिल्कुल वाजिब था। उन्होंने कहा महर्षि आप आदेश करें, आपका आदेश शिरोधार्य है। बोले कुछ नहीं, हम बैठ करके शुरू कराएंगे, आप भागवत जयंती मनाया करिए। उन्होंने कहा, उन्होंने शांतानंद जी महाराज शंकराचार्य जी ने बस, तब स्वामी जी शंकराचार्य जी यहीं विराजे, और विराज करके ये श्रीमद् भागवत जयंती और साथ में ही राधा जन्म, क्योंकि अष्टमी के दिन राधाष्टमी जो भाद्रपद शुक्ला को, और ठीक दूसरे दिन नवमी के दिन श्रीमद् भागवत जयंती, भागवत जी का प्रादुर्भाव है, तो इनको मिलित तनु करके, तो क्योंकि श्रीमद् भागवत भी कौन है, श्रीमद् भागवत कृष्ण का ही स्वरूप है, श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, तो राधा और कृष्ण इन दोनों मिलित तनु को करके इस उत्सव को प्रारंभ कराया, और भगवत कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से अब इस वर्ष जो उत्सव होने जा रहा है या होगा, ये 49वां यानी 50 साल से मनता हुआ जी, ये 50 साल लगभग होने आ रहे हैं और बराबर नित्य निरंतर चलता आ रहा है। और उस उत्सव के अंदर में ठाकुर जी की, इन संतों की, इन महापुरुषों की इतनी महती कृपा रही है कि मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की कोई ऐसी विभूति नहीं होगी जो यहाँ ना आती हो, जो इस स्थान पर ना आई हो, और उन्होंने ठाकुर जी की सेवा किसी भी माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से ना की हो। लक्ष्मण कलादि सीताराम शरण जी महाराज, पूज्य शांतन जी महाराज, हमारे ब्रज की धरोहर ये हमारे स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी, और रामकथा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मुरारी बापू जी महाराज, और तो और जिस समय हमारे उपराष्ट्रपति हमारे शंकरदयाल शर्मा जी थे, वो भी जब बाबा नीमकरोली बाबा आश्रम में पधारे तो वो भी यहाँ यमुना जी के किनारे आए और यमुना जी का दर्शन करते हुए आचार्य पीठ में पधारे, और इससे जो भी संत हुए हैं बड़े बड़े, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हाँ, और इसके साथ साथ झूसी वाले हमारे महाराज जी, उनको स्मरण नहीं आ रहा मेरे को नाम अभी, ऐसे करके मतलब जितने भी संत हैं, मैं कहता हूँ भारत में, हम तो उस समय बालिकाल था, हमारे अध्ययन चल रहा, मतलब जो पॉपुलर हैं वो सारे यहाँ पे विराजमान, सारे सारे सबकी कृपा रही है। ये वो स्थान है जो कि इस ब्रज में आचार्य पीठ अपना स्वरूप लिए हुए है, और उसी का संचालन जिस प्रकार से ठाकुर जी चला रहे हैं वो नित्य निरंतर बराबर होता चला आ रहा है। महाराज जी एक सवाल और था, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा वृंदावन बहुत मॉडर्न बन चुका है, यहाँ बिल्डिंग बन चुकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं, आज से लगभग 50 साल पहले अगर हम जाते हैं तो कैसा वृंदावन रहा होगा, यहाँ के रास्ते कैसे थे, यहाँ की दिनचर्या कैसी थी, ब्रजवासी की दिनचर्या कैसी थी, थोड़ा सा उसमें और बताएं हमें। बहुत सुंदर आपने बात कही है, और आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है मॉडर्न जी, देखिए वृंदावन कभी मॉडर्न नहीं है, वृंदावन तो अपने आप में, वृंदावन नाम ही एक ऐसा है कि जो अपने उस स्वरूप से ओतप्रोत है,
लगभग आज से 30-40 वर्ष पहले, अब मैं तो अपने बचपन का ही जो मैंने उस बचपन में इस वृंदावन में देखा था उसको भी बता सकता हूँ, और उससे पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन आज से 30-40 वर्ष पहले जब मैंने इस वृंदावन का दर्शन किया, अद्भुत वृंदावन था। इस समय तो इसको मॉडलाइज करने के लिए लोगों ने इस वृंदावन की उस छटा को विकृत कर दिया, मैं इसको कहूँगा विकृत कर दिया। जिस समय कल्लोलनी धारा यमुना जी की अवरल रस धारा थी, जब हम स्नान करने जाते थे तो जब स्वच्छ जल और उस जल के अंदर में बालू बिल्कुल दर्शन होता था, एक सिक्का भी डाल दो तो महाराज दर्शन हो जाए, ये तो छोड़ो ठाकुर जी की जो रसोई बनती थी प्रत्येक ब्रजवासियों के यहाँ श्री धाम वृंदावन में, वो यमुना के जल से बनती थी। अच्छा, ऐसे साथ साथ जितने भी मंदिर हैं, आप रंगनाथ जी का मंदिर लीजिए, राधा वल्लभ जी का मंदिर लीजिए, बांके बिहारी का मंदिर लीजिए, प्रतिदिन यमुना जल सबसे पहले कलश में भर करके वो वहाँ जाता था ठाकुर जी के आगे, और उसी जल से स्नान करते थे। लेकिन काल समय ऐसा बीतता गया कि लोगों ने इस वृंदावन को विकृत बनाना शुरू कर दिया, यमुना दूषित करने हो गई, दूषित होने लग गई। आज स्थिति यह है कि यमुना के जल का हम पान भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, परिक्रमा जब लगती थी क्या घनी वृक्षावली, अब तो देखने को नहीं मिलते, तमाल के, कदंब के, कलील के, ऐसे सुंदर सुंदर ये सारे वृक्षावली, और उन वृक्षावलियों की घनी वृक्षावलियों के अंदर नीचे से परिक्रमा रास्ता निकलती थी। हम लोग आज परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन उस समय परिक्रमा लगाते थे तो जब हम चलते थे तो ऐसा लगता था कि किसी गुदगुदे किसी हम गद्दे पे चल रहे हैं, वो रज रेत रेत होता वो रज हाँ। वो रज एकदम। और सुंदर यमुना का दर्शन, घाटों का दर्शन, और इतनी गंदगी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पब्लिक उतनी आती, वही व्यक्ति वृंदावन आता था जो वास्तविक उस वृंदावन के उस रस को जानता था या वृंदावन को जानता था। ये वृंदावन कोई साधारण थोड़ी ना, ये तो गोलो। मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब एक फिल्म है ब्रजभूमि, ब्रजभूमि बहुत मेरे हिसाब से 1980 के आसपास बनी हुई मूवी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें काफी सारे वृंदावन के चित्रों का दर्शन कराया है, मैंने देखा है, बरसाने का भी है, अपने रंगजी मंदिर का भी दृश्य है, परिक्रमा का भी है, तो उसमें हमारा जो मदन मोहन जी का जो मंदिर है उसका दर्शन आता है। बिल्कुल, तो उस समय उसमें जो वीडियो में वो जो चलते हैं परिक्रमा लगाते हैं, पूरा कच्चा रास्ता है, शांत, बिल्कुल शांत। आप देखिए वहाँ पुष्प भी खिले हुए दिखते हैं, उसमें वो दिखाई देते हैं, और घाटों की मनोहर छटा देखिए, तो मैं वो क्या समय रहा होगा उस समय, क्या आनंद रहता होगा उस समय की हम यदि कल्पना करें, और वो यदि फिर दोबारा से हमें देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि वृंदावन का वो स्वरूप वापस आ गया। ये मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, इस बात को कि लोगों ने इस वृंदावन के, आप परिक्रमा लगा रहे थे, आप पक्षियों का कलरव जो हम वर्णन देखते हैं शास्त्रों में कि जिस समय भगवान श्री राम वृंदावन में लीला कर रहे हैं, तो जब उनकी व्याख्या करते हैं तो यमुना की अवरल रसधारा और यमुना के दोनों पुलिन के दोनों ओर कदम की वृक्षावली, कदम की वृक्ष, और उस कदम की वृक्ष के ऊपर हमें बैठ करके एक तोता और मैना दोनों रट लगा रहे हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अब अनुमान लगाइए जहाँ पक्षियों के कलरव से जो राधा कृष्ण की आवाज आ रही है तो वो छटा क्या रही होगी, वो छटा। तो ऐसा वो वृंदावन रहा, और मंदिरों की सेवा पूजा का जो क्रम था, आप मंगला से लेकर के अष्टयाम सेवा का जो क्रम था, लोग जाते थे, गिने चुने लोग होते थे सेवा कुंज में, प्रातःकाल मंगला होती थी, लोग जाते थे, सुंदर आरतियाँ मंगला की ठाकुर जी को उठाने की, वो इतना सुंदर चारों ओर सेवा कुंज की, श्याम सुंदर की, दामोदर की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमण जी की, ये सब लोगों का यही था। और ये छोटा सा वृंदावन, इसका विस्तार नहीं था, ये केवल इतना 5 कोसमी है जो वृंदावन था, अद्भुत छठा उस समय वृंदावन की थी। अच्छा महाराज जी, एक चीज और पूछना चाहूँगा, जैसे कि वृंदावन नाम जी, कैसे पता चला कि ये वृंदावन है, किसने खोज करी इसके बारे में? देखिए, इसकी अलग अलग
पुराणों के साथ अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग अपना किया है। हम तो श्रीमद् भागवत करते हैं, तो भागवत के अनुसार तो हम इतना ही बताएंगे आपको, जिस समय भगवान का अवतार मथुरा में हुआ और गोकुल में जन्म हुआ, और जब गोकुल के अंदर में भी कंस के द्वारा ये सारे राक्षस वगैरह सब पहुँचने लगे और कष्ट होने लगा, तो सारे जितने भी नंद बाबा के ये सब भाई थे, सब लोग बैठ करके एक दिन चर्चा करने लगे कि जब हमारे इस पुत्र को, हमारे बेटे को ही किसी प्रकार का सुख नहीं और हमारे बच्चों को सुख नहीं, तो ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए। तो उस समय गोकुल का त्याग करके, ये श्रीमद् भागवत के अनुसार, गोकुल का त्याग करके वो श्रीधाम वृंदावन में यहाँ आ गए। और जब वृंदावन में यहाँ आ गए तो यहाँ कोई अट्टालिकाएँ नहीं, कोई किसी का मकान नहीं, सघन वृक्षावली, तुलसी की सघन वृक्षावली और साथ में कदम के, तमाल के, ये सब कुंज और निकुंजे होती थी, और उसमें यमुना के किनारे आकर के ये जितने भी हमारे ब्रजवासी थे भगवान के साथ में सब आकर के उसमें निवास किया, सब रही। तो ये यहाँ क्योंकि वृंदावन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ वृंदा देवी यानी कि तुलसी की सघन वृक्षावलियाँ थी, तो इसलिए वृंदावन। फिर उसके बाद में एक और चैतन्य महाप्रभु जी जब आए हैं वृंदावन में खोज करते हुए, क्योंकि ये वृंदावन तो सीधा कहना चाहिए ये तो गोलोक से ही यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। अच्छा, जिस समय जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कि भाई चलो हम चले, अब हमारे रामानुज संप्रदाय के अनुसार जब त्रिपाद विभूति से लीला विभूति में प्रवेश करते हैं, तो गोलोक में प्रिया श्री राधा रानी से कहा कि चलो वृंदावन, तो बोले ठीक है चलेंगे तो सही, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, तब हम उस जगह वहाँ उस स्थान में जा पाएंगे। बोले क्या है? बोले सबसे पहले तो वहाँ यमुना हो, अच्छा दूसरा बोले गिरिराज पर्वत हो, ये श्री जी कह रही हैं, ये श्री जी कह रही हैं, और वो रज हो, ये तीन चीज़ें वहाँ होंगी तो हम चलते हैं। भगवान ने तीनों चीज़ें यहाँ प्रकट कर दी, और जब प्रकट हो गई, एक समय ये था कि वृंदावन के इस यमुना के जल में गोवर्धन गिरिराज से, गिरिराज जी का जो शिला है, उतनी ऊंची चोटी थी कि वृंदावन के उस यमुना के जल में परछाई पड़ती थी, वो चोटी दिखती थी, मतलब गोवर्धन की परछाई है यमुना जी में दिखती थी। हाँ, यमुना जी में पड़ती थी, तो वो वृंदावन है। मतलब गोवर्धन पर्वत कितना विशाल होगा उस समय? बहुत विशाल। तो ये तो बात सही है, प्रतिदिन पल पल एक एक तिल ये गिरिराज जी जा रहे हैं जमीन में, और जिस दिन ये गिरिराज जी पूरे समा गए, बस समझ लेना कलयुग तो है ही, चल ही रहा है, घोर कलयुग आ जाएगा, संबंध खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो ठाकुर जी की जो स्थान है वृंदावन, इस वृंदावन को ठीक है आज विकृत स्वरूप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो ठाकुर के अपने निज जन हैं और जो निज सेवक हैं, सहचरिया हैं, आज भी उस ठाकुर का चिंतन कर रहे हैं, उस ठाकुर की लीला का दर्शन कर रहे हैं अपने अंतरपटल पर, और अनुभव कर रहे हैं उसी वृंदावन का। मैं यहाँ थोड़ी सी बात ये जरूर कहना चाहूँगा, और उन लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि भैया बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब इस वृंदावन के उस स्वरूप को विकृत मत करो, इस वृंदावन को वृंदावन ही रहने दो, ये मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप इस चैनल के माध्यम से। एक महाराज जी, एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे मन में काफ़ी दिन से चल रहा था, मैं सोचा मैं महाराज जी से डिस्कस करूँगा। जी जी, ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा। जी, जन्म कहते हैं किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बहुत सा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं आप, प्रकाश डालें थोड़ा सा। देखिए, पहले तो मैं प्रश्न जब आपने ये किया है तो मैं यही एक बात बताऊंगा कि ठाकुर जी का मथुरा में जन्म नहीं है। अच्छा, अब आपको मेरी बात बड़ी आश्चर्यचकित लग रही होगी कि महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मथुरा में जन्म नहीं है, जिसे कृष्ण जन्म भूमि बोलते हैं लोग। हम प्रमाणित बात करेंगे, भगवान का मथुरा में जन्म नहीं हुआ है, भगवान का
यहाँ मथुरा में कंस की कारागार में देवकी और वसुदेव के आगे स्वयं वो परतत्व भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पारिजात प्रपन्न श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। ये मथुरा जन्म नहीं है, भगवान की प्राकट्य भूमि है। जन्म और प्राकट्य में दोनों में बहुत अंतर है। अवतार जब हम लेते हैं, अवतारवाद होता है, तो भगवान जैसे हैं जिस स्थिति में, जैसे जैसा उनका स्वरूप है वैसे ही उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरे। और जब देवकी और वसुदेव के सामने जब प्रकट हुए तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाश्रय, सबकी गुहाओं में रहने वाला जो परमात्मा है भगवान श्री विष्णु है, वो देवकी और वसुदेव के आगे प्रकट हुए। लेकिन भगवान को भी लीला करनी है और देवकी को वात्सल्य भाजन भी कराना है जी। जब देवकी ने देखा ये बोले मैंने तो आपको पुत्र के रूप में चाहा था, लेकिन आप तो ये चतुर्भुज रूप में और चार हाथ हैं, और किसी को मालूम पड़ गया, आज के किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए तो आप जैसे मीडिया वाले हैं, सब मीडिया पहुंच जाएगी वहां। तो केवल उस देवकी के उस वात्सल्य भाजन के लिए भगवान चतुर्भुज से द्विज हो गए और देवकी ने अपने वात्सल्य का भाजन किया और फिर अपनी माँ देवकी से कहा कि सुनो तुम मुझे यहाँ से गोकुल भेज दो, क्योंकि तुम तो जानते हो यहाँ हमारे मामा जी कंस मामा और मालूम है छह पुत्र पहले। तब देवकी ने देखा तो वसुदेव जी महाराज, अब वो कथा लंबी हो जाएगी उसको समझने के लिए, फिर वो सूप में लेकर के जब गोकुल में प्रवेश किया है तो उस गोकुल के अंदर में जब लेकर के गए हैं तो अवतार और जन्म की जब बात आप पूछ रहे हैं तो वहाँ जैसे ही लिटाया बगल में यशोदा के, तो यशोदा नंदन और वसुदेव नंदन, क्योंकि लीला करने के लिए आए हैं, वसुदेव जी को पता ही नहीं चला, दोनों की दोनों मिलित तनु हो गए। अच्छा, एक ही में मिल गए दोनों, एक ही में मिल गए, भगवान लीला कर रहे हैं। अब भगवान की लीला को तो कोई बिरला ही समझ सकता है, सारे की तो बस की बात नहीं। और वो कन्या को लेकर के यहाँ आ गए तो यशोदा नंदन जो कृष्ण रहे, तो यशोदा ने जिन बालकों को जो जन्म दिया है तो वो जैसे एक साधारण एक बालक जैसे माँ के गर्भ से लेता है, वहां लिख रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ये प्रमाण है कि बहुवत प्राकृत शिशु, जैसे एक प्राकृत शिशु जैसे जन्म लेता है तद्रूप जन्म लिया है भगवान ने। इसलिए गोकुल भगवान की जन्मस्थली है और मथुरा भगवान की प्राकट्य स्थली है। ये अंतर है जन्म स्थली में और प्राकट्य में, जन्म में और प्राकट्य में, प्राकट्य ये दोनों में अंतर है। अब वो फिर लीला आगे जो हुई है बढ़ती चली गई। महाराज जी, एक चीज और है, जैसा कि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी ने यहाँ से अपने ब्रज को छोड़ के चले गए जब द्वारका गए थे, कुछ भक्तजन ये कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी कभी ब्रज को छोड़ के ही नहीं गए जी, तो उस पर क्या प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, वृंदावन का कृष्ण जीवन में कभी वृंदावन को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ तक उक्ति है कि पाद मेकम न गच्छति, तो कृष्ण तो गए हैं, तो कौन से कृष्ण गए द्वारिका जिन्होंने 16,108 विवाह भी किए और सब कुछ करने के बाद में फिर गोलोक में प्रवेश किया। तो अभी जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि यशोदा नंदन जो कृष्ण हैं वो कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, आज तक गए नहीं है। तो बोले ये कौन से कृष्ण गए? बोले वो वसुदेव नंदन कृष्ण गए गर्ग संहिता, जिस समय अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए ब्रजवासी सब, उनकी स्थिति गंभीर हो गई, आज हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके नहीं चलो जाए, वो पछाड़ पछाड़ खा करके जमीन के ऊपर में। और जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं तो अक्रूर जी के भी मन में आ गई कि देखो मैं निमंत्रण पत्रिका लेकर के आया हूँ तो, लेकिन ये निमंत्रण पत्रिका लेकर नहीं आया हूँ, ये अपने इस कृष्ण की, क्योंकि काका जी है ना अक्रूर जी, बोले मैं इनको मौत की पत्रिका लेकर मरवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, युद्ध स्थल में ले जा रहे थे मेला में। और जब वो इस मथुरा वृंदावन के बीच मार्ग के अंदर में यमुना के बीच जब मध्याह्न काल के समय हुआ और वो संध्या वंदन करने के लिए तैयार हुए, रथ रोका और यमुना के बीच जल में जैसे वो संध्या वंदन कर रहे हैं, भगवान ने सोचा कि भाई ये चाचा जी हमारे काका जी घबरा रहे हैं। तो यमुना के उस जल के अंदर में
भगवान ने अपनी शेष शाही के ऊपर में बैठ करके दर्शन दिया। अक्रूर ने देखा, बोले ये कृष्ण। एक बार यमुना में देख रहे हैं, पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, अरे फिर देख रहे हैं, तीन बार देखा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तुरंत जल फेंक दिया, बोले अब मेरे इस कृष्ण को दुनिया की ताकत नहीं है कि मौत के घाट उतार दे, ये तो परतत्व भगवान है। वहीं से यशोदा नंदन तो वापस हो गए वृंदावन में, और वसुदेव नंदन जो लीला करने के लिए आए थे वो यहाँ से मथुरा चले गए, और मथुरा की ये सारे की सारी लीलाएं करके, द्वारका की लीलाएं करके, और वो गोलोक में प्रवेश कर गए। लेकिन यशोदा नंदन श्री कृष्ण वापस आ गए। और एक प्रमाण बताते हैं, लोग कहते हैं कि सब भगवानों का हमको, राम जी आए शरीर जी में गए समाए, साकेत में प्रवेश कर गए, गोलोक में प्रवेश कर गए। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि बोले राधा जी का कोई प्रमाण, तो आज तक ये प्रमाण नहीं मिला है कि राधा जी वृंदावन से या इस ब्रज से वापस गई हैं या नहीं, ये इसका अभी प्रमाण मैंने तो सुना नहीं है। यदि कोई जानता है तो वो मुझे जरूर बताएंगे। तो राधा जी यहाँ फिर लौट करके वापस नहीं गई, और जब लौट करके वापस नहीं गई तो वो यशोदा नंदन कृष्ण वो राधा के ही उस शरीर में जा करके वो समा गए। वो वैसे भी हैं, मिलित तनु है, राधा कृष्ण स्वरूपाम भाई कृष्णम राधा स्वरूप एक ज्योति प्रकट भेदा है, एक ज्योति दो रूप में वो अंदर समा गए। दोनों एक हैं, राधा और कृष्ण, और वही दोनों अपने इस ब्रज वृंदावन में नित्य प्रति लीला कर रहे हैं, लोगों को अनुभव हो रहा है। और यदि अनुभव नहीं होता तो आज वो वृंदावन का ये स्वरूप और ये नहीं दिखता। आज भी राधा कृष्ण इस ब्रज में विराजते हैं, अपनी लीला करते हैं, ये वृंदावन। बहुत सुंदर महाराज जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि ठाकुर जी का अंतिम समय में जब वो किसी ने तीर मारा था, हाँ, जो उनके नीचे से लगा था व्याघ्र, तो वो एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, या ऐसा बताते बंसी बजा रहे थे, बहुत बहुत सारी बातें बनी हुई हैं, तो उसमें भी कोई लीला थी, पीछे का कोई शराप लगा हुआ होता उन्होंने ठाकुर जी को। हाँ, वो बाली के समय पर जब राम जी ने उन्हें बाली को मारा था, किसको मारा था, बाली को मारा था, तो उसमें वो शराब लगा हुआ था वहां से ठाकुर जी को, तो उसकी क्या लीला थी वो थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। देखिए वो लीला तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये समझ लो कि भाई जब भगवान आए और धर्म की स्थापना यहाँ करनी पड़ी उनको, तो धर्म की स्थापना करने के बाद में जो संसार में एक बार आया है उसको जाना तो है ही है जी। तो ये ठाकुर की स्वयं की ही इच्छा थी। अच्छा, जब उस व्याघ्र ने, अब उनको लीला तो समाप्त हो गई, सब करे 125 वर्ष लीलाएं करी हैं, तो व्याघ्र ने वहाँ से निशाना बनाया। जब भगवान एक चरण के ऊपर में दूसरे चरण करके बैठे हैं, तो देखा ये कोई है, कोई पशु है, नीचे से भगवान का तलवा एकदम लाल था, लालिमा लिए हुए, कोई मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, उसने वहीं से निशाना जब लगाया वो भगवान के चरणों में आकर के लगा, और जब लगा तो वो व्याघ्र सामने आया, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बोले ये तेरी इच्छा नहीं थी, ये तेरे काम नहीं है, ये मेरी इच्छा थी, इस संसार से जाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ही चाहिए। और उस व्याघ्र को अपने धाम में भगवान ने पहुंचाया, और वो जब तीर लगा, उस तीर के साथ में भगवान उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ विश्राम कर रहे थे, वहीं से अपने श्री धाम में पधारे, और वहीं जा करके। वो स्थान ब्रज में था या कहीं बाहर था? नहीं, ये ब्रज में नहीं है, ये बाहर है, ये गुजरात में। अच्छा, हाँ, वहाँ वो स्थान है, वहाँ ठाकुर जी का ये ऐसा। मर जी एक सवाल और है मेरा, कि जैसे ठाकुर जी विष्णु भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं, जैसे रामचंद्र जी का हुआ, कृष्ण भगवान का हुआ, आने वाले समय में कल्कि अवतार भी बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो एक अवतार हुआ 52 अवतार, उसकी लीला क्या थी, वो क्यों हुआ था, उसका पर्पस क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं आपने।
देखो भगवान के समय समय पे अनेकों अवतार हुए हैं और ये अवतार बिना कारण के नहीं है, कार्य और कारण ये दोनों भगवान से जुड़े हुए हैं जी। जिस समय दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और ये सारा के सारा देवताओं का राज्य छीन लिया, बलि महाराज अधिपति बन गए, सारे देवता दर दर के भिखारी बन गए घूम रहे, तो उस समय जो देवताओं की माता हैं अदिति और दैत्यों की माता हैं दिति, ये दोनों की दोनों कश्यप जी की पत्नी हैं। तो एक दिन कश्यप जी वहाँ से जा रहे थे, दुखी मन से बैठी हुई अदिति, अब जिसके पुत्र के जीवन में यदि कोई कष्ट हो तो सबसे ज़्यादा तो मैया ही दुखी होए, दूसरी तो कोई होए नहीं। तो जब अपने पतिदेव को देखा तो प्रार्थना की अपने पतिदेव से कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जो दैत्यों से ये वापस ला सके। कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी को उस समय बहुत उपदेश किया, को देहो भौतिक गुणात्मा कुछ आत्मा पकड़ते परे कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव ही कार्य कारणम। अरे देवी, ये सब पुत्र पुत्री बेटा दामाद ये सब इस संसार को चलाने का एक नाट्यक्रम है, ये संबंध जो है इस संसार को चलाने का है, कौन किसका बेटा कौन किसका पुत्र, बहुत समझाया लेकिन माँ तो माँ ही है। तब कश्यप जी ने अदिति महारानी को एक व्रत बतलाया और व्रत का नाम है पयोव्रत जी। पयोव्रत बतलाया और उस अदिति ने किया, और जब अदिति ने किया तो स्वयं उस अदिति की उस मंगल प्रांगण के बीच वो परतत्व भगवान नारायण वामन के रूप में प्रकट हुए। अच्छा। और जो वामन के रूप में प्रकट जब हुए, सारे देवताओं ने सबने किसी ने कोपिन पहनाई छत्र लगाया, ये कथा का एक क्रम है। तो जब वामन भगवान का प्रागट्य हुआ और वामन भगवान सीधे गए बलि जी के, जहाँ बलि के साथ में उनके गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे, और बलि ने देखा सामने से भगवान का रूप स्वरूप ही एक ऐसा है, तो समीप जैसे ही गए बोले भिक्षा जो मांगने के लिए तैयार हुए, तो भिक्षा के अंदर में बलि से उन्होंने तीन पैर धरती ही मांगी। अच्छा। और तीन पैर धरती में जब नापने के लिए बैठे तो अतल वितल सतल ये सब लोग सब नाप करके जब अंतिम में कुछ बचा ही नहीं, अब बलि देख रहा था, तब बलि ने कहा कि बोले प्रभु मैं समझ गया आप कौन हैं, अब एक काम करो, अब तीसरे के पैर के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं ही बचाऊँ, ये चरण अपना लेकर के मेरे सर के ऊपर में रख दो। और जैसे ही वामन भगवान ने चरण रखा, बलि तो लुट गया एकदम, अब चरण ही रख दिया उसके ऊपर में। तब भगवान ने पूछा उस बलि से कि भाई तुम मुझसे चाहता क्या है? बोले प्रभु अब तुमसे क्या चाहना है? बोले मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, जब उठूँ जब तुम्हारा ही दर्शन हो। आए थे लूटने के लिए, खुद लूट गए। अब बलि कब उठे? सुबह उठे, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, भगवान स्वयं छड़ीदार बन करके द्वारपाल बन करके, ये एक भक्ति की पराकाष्ठा है कि भगवान भक्त के लिए कैसे लुट जाते हैं। तो भगवान स्वयं वामन भगवान बन करके आए और फिर उन देवताओं के ऊपर में कृपा की, मतलब एक तरह से बलि जी के लिए अवतार लिया। हाँ, और उन देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान समय समय पर आते हैं और ऐसी कृपा करते हैं। बहुत सुंदर। एक सवाल और है महाराज जी मेरा, कि जैसे आजकल की जो यूथ है नशे में डूबी हुई है ज़्यादातर, बिल्कुल सही, भांग गांजा दारू शराब इन सब चीज़ों में, एक अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, अब लोग गांजे का प्रयोग करेंगे,
तो वही कहेंगे ये तो हमारे शंकर भगवान पीते थे। तो ये वास्तविक में कुछ ऐसा सीन था पहले, और जैसे समुद्र मंथन की एक कथा आती है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय पे शंकर भगवान ने विष पिया था, तो इसको दोनों की लीलाएं क्या थी? देखिए, यदि हम भगवान की ऐसी ऐसी चीज़ों को देख करके बोले भगवान ने ऐसा किया और उसको को कह करके हम ये सब चीज़ें करें, भगवान ने तो बहुत कुछ किया। भगवान ने तो 16,108 रानी और पटरानियों के द्वारा 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री भी पैदा की। आप करिए, सही बात है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने ऐसा किया। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कारण और कार्य ये दोनों, तो सारे देवता लोग गए और देवता लोगों ने कहा, तो उस समय भगवान ने एक मूषक नीति बताई। और मूषक नीति यही थी कि भाई इस समय कैसे भी करके, और देवताओं से यदि आपको चाहिए तो कोई ना कोई नीति से ही काम लिया जा सकता है। तो बोले समुद्र मंथन करो, मंत्रांचल उखाड़ करके लाओ। तो बोले कौन लाए, किसकी ताकत है? तो भगवान ने ही किए, मंत्रांचल लेकर के आए। आधार नहीं मिला तो भगवान का एक अवतार और हुआ, भगवान कछुआ बने, कच्छप अवतार। अच्छा, हुआ उसी में समुद्र मंथन के आसपास। हाँ, एक रूप से अनेक रूप धारण किए, चोटी पर बैठे स्थिर किया, वासुकी नाग से मंथन प्रारंभ कराया। और जब मंथन प्रारंभ कराया तो उस मंथन के द्वारा सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब ये हलाहल विष कौन पिए? जो पिएगा वो मरेगा। भगवान जानते हैं भाई, विष का काम तो मारना ही है। बिल्कुल। अब चाहे वो विष हो, चाहे जीवन के कोई भी विषय क्यों ना हो, यदि व्यक्ति विषयी है तो वो मरेगा। और ये जो जो मादक पदार्थ हैं, जो भगवान का कहकर के उस स्वरूप को, भगवान के उस स्वरूप को बताते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, तो ये विषयी जो वस्तुएं हैं, विषयी जो चीज है, वो विषयी चीज मारेगी, चाहे आप किसी का भी नाम लेकर के आप लें। लेकिन उस हलाहल विष को भगवान ने देखा कि कहीं छलक भी गया तो प्रकृति के अंदर में कोई ना कोई असाध्य रोग या प्रकृति विकृत हो जाएगी इस प्रकार से, तो तुरंत अपने भक्त, क्योंकि शंकर महाभागवत भी हैं, यानी कि भगवान के भक्त भी हैं, अपने व्यक्ति को याद किया जाएगा कार्य सिद्धि के लिए, कार्य साधने के लिए शंकर को बिछाया। वो जानते हैं कि शंकर कौन है, बोले शंकर विष पुरुष है और यही पचा सकता है। शंकर जी को याद किया तो विष पुरुष भी कैसे कैसे हैं। आ गए शंकर भगवान अंजलि में लेकर के, वाह प्रभु ये भी आपकी कृपा, वो कृपा समझ करके और नाम की अड़ाली में राह कहा, राह कहते ही सारे विष को पिया और माँ कहते ही समाप्त कर दिया, यानी कि राह और माँ के बीच में उस विष को रखा। अच्छा, यदि जो नाम की उस अड़ाली के अंदर में जीवन के जितने भी विषय हैं, उन विषयों को यदि रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और यदि नाम के अलावा, ठाकुर जी के अलावा, यदि वो इस प्रकार से केवल अपने ही उस सुख के लिए वो इस तरह के मादक पदार्थों का यदि प्रयोग करते हैं तो वो उसे ही मारने वाला होता है, वो उससे मरेगा ही मरेगा। तो भगवान शंकर ने नाम नाम की अड़ाली में उस विष को पिया। फिर उसके बाद में मंथन हुआ, बहुत से वस्तुएं, चंद्रमा निकली, कामधेनु निकली, कल्प वृक्ष निकले, कौस्तुभ मणि निकली। एक कामधेनु गाय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जब वो निकली तो उनका क्या था, मतलब वो ऐसा बताते हैं कि उनसे जो चीज़ मांगो वो चीज़ मिल जाती थी। उसका नाम ही कामधेनु है। हाँ। कोई काम शेष है ही नहीं, आप जो मांगे जब चाहें तब, आप दूध मांगिए दूध मिले, जो चाहें वो। कल्प वृक्ष का भी यही है,
उसके नीचे बैठ जाइए, जो भी तुम्हारी कामना हो, जो तुम्हारी लिप्सा है, जो तुम्हारा संकल्प है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठिए, आपकी कामना पूरी होगी। और वर्तमान में यदि कल्पवृक्ष यदि कुछ है, कोई भी है, तो मैं ठोक के कह रहा हूँ इस बात को, ये श्रीमद्भागवत जो इसकी महत्ता को नहीं जानते हैं, और जिन लोगों ने श्रीमद्भागवत के साथ में भी खिलवाड़ कर दिया है, खिलवाड़ हो रहा है, अधिकारी पात्र नहीं है, अधिकारी सुनने वाला नहीं है, लाखों की कोटि में भागवत हो रही है, पहले गिनी चुनी भागवतें होती थी, तो आज भी मैं ये ठोक करके कहता हूँ कि इस श्रीमद् भागवत के दिव्य ग्रंथ के नीचे बैठ करके आप जीवन का कोई भी संकल्प यदि लें, यदि नहीं पूरा हो तो हमसे कहना आगे, निश्चित रूप से पूरा होगा। तो समुद्र मंथन का इस प्रकार से अनेकों, फिर अंत में धन्वंतरी भगवान निकले, अमृत लेकर के निकले, और उस समय फिर देवता और देवते आपस में झगड़ने लगे, तो भगवान ने मौनी अवतार धारण करके उसका वितरण किया, और फिर वो देवताओं की लाइन में आकर के राहु आकर के बैठ गया, सूर्यचंद्र ने इशारा किया, और जब इशारा किया गर्दन अलग से, क्योंकि अमृत नीचे उतर चुका है, तो एक और बन करके ये केतु, एक ग्रह, अब तक तो केवल सात ही ग्रह थे, मतलब उस राक्षस के अंदर से कौन निकले, केतु, केतु, हाँ गर्दन अलग हो गई ना, राहु तो था ही, तो गर्दन अलग हो गई, तो एक ग्रह और बन गया, अभी तक तो सात ही थे, दो ग्रह और बन गए, नवग ग्रह बन गए। तो एक तरीके से भगवान ने कह दिया जाए, ब्राह्मणों के ऊपर में कृपा कर दी, अब तक तो सात ही पूजा होती थी, अब नौ पूजा होगी, सही बात, ब्राह्मणों के ऊपर में, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के स्वयं हितैषी हैं, जो ब्राह्मणों के वाक्य के ऊपर में विश्वास नहीं करता या ब्राह्मणों के वाक्यों को नहीं मारता, वही अधम में जाता, उसी का पतन होता है, क्योंकि ब्राह्मण की बात को केवल ब्राह्मणों की बातों की रक्षा केवल करते हैं, तो वो परमात्मा ही केवल करता है। इस प्रकार से समुद्र मंथन। एक सवाल और है मेरा महाराज जी, जैसे कि आजकल जब दशहरा आता है तो रावण को हम जलाते हैं जी, तो कहते हैं कि उसने तो एक बार सीता जी को चुराया, उसने एक गलत काम किया तो हम जलाते हैं, आजकल के रावणों का क्या करें, जो आजकल हमारे समाज में बहन बेटियों को छेड़ते हैं, गलत काम करते हैं, दुष्व्यवहार करते हैं उनके साथ, नहीं, ऐसे रावणों का क्या किया जाए? देखिए, ऐसे रावणों को तुरंत दंडित करना ही चाहिए, जो हमारे यहाँ की बहन बेटियों को और इस प्रकार से जो इस समय जिहाद चल रहा है, जिहादी हो रहे हैं लोग, इन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। उस रावण ने, देखिए रावण तो महापंडित था, ज्ञानी था, उसको मालूम थी, त्रिकालदर्शी था, रावण को मालूम था कि मेरी मौत यदि होगी तो केवल राम के हाथ से होगी, दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कि मुझे मौत के घाट उतार सके। और जिस समय आप देखिए जेहाद भी यदि उसने किया, हम इसको जेहाद भी नाम दे सकते हैं, जब सीता जी का अपहरण किया है, ये पांडित्य है रावण का कि जब सीता जी को उसने अपहरण किया है तो चरणों से उठाया है, अच्छा नीचे से चरणों चरण पकड़े हैं, और चरण पकड़ करके सीता जी को ऐसे पलटा और पीठ के बल पर लेकर के अपने विमान में, उस जो विमान था उस विमान तक लेकर गया है कि एक अंग भी टच ना हो जाए। लेकिन आजकल के जो रावण हैं, वो रावण की अंतरदशा वैसी नहीं है, उनकी अंतरदशा बिगड़ी हुई है, वो देह के प्रति आ सकते हैं, लेकिन रावण कौन है, दशानन हैं, दश शीश हैं, और इंद्रिय जीत का पिता है, किसका पिता है, इंद्रिय जीत का। रावण ऐसा कहा, आज दक्षिण के अंदर में रावण को नहीं जलाते, वो जानते हैं पंडित है, पूजा होती है वहां, पूजा होती है, लेकिन रावण को मालूम था, उसने अपनी मृत्यु के लिए, क्योंकि त्रिकाल उसको मालूम थी कि राम जी से मेरी मौत होगी,
अब चाहे राम से मौत हो जाए चाहे राम से जी जाऊँ, दोनों में उद्धार है। लेकिन आजकल की रावण, आजकल की रावण तुम्हारा ना को त्रिकालदर्शी है ना को ये, वो जो देह के प्रति जिनकी आसक्ति है उन रावणों को तो तुरंत ही वो दंड देना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उनको, मैं तो अपने संविधान में कहूँगा, सरकार को कहूँगा ऐसा कानून बनाए कि बिना उनकी सुनवाई के, बिना किसी उसके, उनको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए, उन्हें को मौत देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बाला जी। एक चीज़ और, ये काफ़ी सारा लंबा पॉडकास्ट जा चुका है मेरे हिसाब से 45 मिनट। एक लास्ट क्वेश्चन है, वृंदावन में जो आजकल हम देख रहे हैं जैसे भीड़ बढ़ रही है बहुत सारी, एक समय ये था, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ 2-3 बार आपसे, मैं थोड़ा इसकी राय लेना चाहता हूँ, क्या ये वास्तविक में भक्ति की भीड़ है या फिर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपसे। हम तो यहाँ वृंदावन के ब्रजवासी होने के नाते समस्त पूरा वृंदावन और वृंदावन के ब्रजवासी आज इस रस से जो इतनी भीड़ हो रही है सब लोग दुखी हैं। आज जो वृंदावन के अंदर में, आज से 30-40 वर्ष पूर्व जब वृंदावन में दर्शनार्थी लोग आते थे बड़ी श्रद्धा और भाव से आया करते थे, यहाँ रुकते थे, कोई 3 दिन रुका है, कोई 1 महीने रुका है, उस समय सबकी अलग अलग, कुछ लोग दर्शनार्थी आते थे सावन के महीने में आते थे, कुछ होली के समय पे आते थे, कोई कार्तिक नियम करने के लिए आते थे, अब तो इन लोगों को कोई नियम ही नहीं है। और ये जितनी भी भीड़ आ रही है इनमें से एक भी श्रद्धालु और नहीं है और उस भाव को लिए हुए नहीं आ रहा है वृंदावन, केवल इसको एक घूमने के पर्यटक स्थल और घूमने और मनोरंजन के लिए केवल आ रहे हैं। दरअसल ये वृंदावन आजकल इनको सुविधा हो गई लोगों को, ये वृंदावन की सीमा से लगे हुए हरियाणा है, आपका दिल्ली है और भी जो प्रांत हैं, इनको सुविधाएं हो गई हैं, इन्होंने कहा कि आउटिंग के लिए, घूमने के लिए। लेकिन जो लोग वृंदावन में आउटिंग और घूमने के लिए आ रहे हैं वो पाप करने आ रहे हैं, उनके द्वारा पाप हो रहा है, क्योंकि उनकी क्रियाएँ एक ऐसी हैं वृंदावन में आकर के कि वो भजन नहीं, ये तो तीर्थ स्थल है, तीर्थों का भी तीर्थ है श्रीधाम वृंदावन, ये आपने सुना होगा, सारे तीर्थ गए लेकिन वृंदावन नहीं गया, नहीं गया। भगवान से जब सब तीर्थों ने शिकायत की, बोले मैंने तुम प्रयाग को तीर्थों को राजा तो बनाया है लेकिन अपने घर का मालिक थोड़ी ना बनाया है, ये तो मेरा निज धाम है, मेरा घर है ये। तो ऐसे तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में जो मनोरंजन की दृष्टि से और घूमने के लिए दृष्टि से आ रहे हैं वो पाप लेकर के जा रहे हैं, पाप पैदा, पाप को जन्म दे करके जा रहे हैं। और जो लोग आ करके यहाँ शांति से दर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वृंदावन ये भजन स्थल ही है, यहाँ बड़े बड़े संत आए, चैतन्य महाप्रभु जैसे आए, गोपाल भट्ट आए, षड गोस्वामी पाद आए, जिन्होंने यहाँ भजन करके उस ठाकुर की प्राप्ति करी, ये वो वृंदावन स्थान है। मैं तो आपके इस मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई इस वृंदावन के स्वरूप को बिगाड़े नहीं, और कोई भी एक ऐसा कुछ करें कि यहाँ इस भीड़ को कम किया जाए, वो कैसे होगी ये तो शासन और प्रशासन ही कर सकता है। जी जी, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। आज वृंदावन का ब्रजवासी बहुत दुखी है, ना उसका जो नित्य प्रति दर्शन करने जाते थे आज उसका बांके बिहारी का दर्शन छूट गया, जो रोज नियम से मंगला करते थे राधा वल्लभ जी की, इस भीड़ को देख करके अब यहाँ का वृंदावन का ब्रजवासी बुजुर्ग अब जाए दर्शन करने तो कैसे जाएगा, चोट खा जाएगा इतनी भीड़ में। और ये उद्दंड टाइप के लोग यहाँ आ रहे हैं, जो उद्दंड कर रहे हैं, लड़ रहे हैं महाराज, और तो क्या करें, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को लेकर के, भीड़ को लेकर के। तो मैं तो ठाकुर जी से, बाकी बिहारी राधा वल्लभ राधा रमन गोविंद देव जी से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही इस वृंदावन के स्वरूप को बचा सकते हो, क्योंकि ये शासन प्रशासन ये सब फेल हो गए, ये सरकारें सब फेल हो रही हैं। हम ब्रजवासी लोग मिलकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही इसे कंट्रोल करो और नियंत्रण करो, ये इतना ही कह सकते हैं। आज सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इस पॉडकास्ट में बस इतना ही।
और भक्तों का ऐसा एक मन था कि महाराज जी से दोबारा चर्चा हो, तो हम जरूर जरूर मैं यदि लायक रहूं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अब हम ब्रजवासी हैं, हम तो वाणी के द्वारा ही सेवा कर सकते हैं जी जी, कभी भी कैसे भी हो, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर ज़्यादातर यही रहता है कि कुछ ब्रजवासियों के मुख से कुछ कहलवाओ जी, उनके मुखारबिंदु से हमें कुछ सुनने को मिले, तो हमने सही महाराज जी से ही कुछ चर्चा करते हैं आज बैठ के। अगर ऐसा कोई और होगा मौका, कुछ अलग विषयों पे हम चर्चा करेंगे, तो एक पॉडकास्ट और अच्छा सा हम शूट करेंगे इसमें। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री राधे। तो अब तक रहे हमारे साथ महाराज जी, जिनसे हमने भगवत चर्चा करी और कुछ ठाकुर जी की लीलाओं पर भी चर्चा करी। तो इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जो हमारे नए इस पे जो हमारे सब्सक्राइब हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने महाराज जी से जानी है, तो कि बहुत पहले मैंने भी मुझको भी नहीं पता थी, शायद आपको भी नहीं पता होगी। तो इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। तो अगर आपको वृंदावन से किसी रसिक जन से वार्तालाप चाहिए तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके साथ आप एक पॉडकास्ट करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे। जय बिहारी जी की।